सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप का यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में। सो गाइज, बेसिकली इस वाले इफेक्ट को हम दो तरीके से बनाएंगे, एक विदाउट प्लगइन और एक विद प्लगइन। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक वीडियो को इम्पोर्ट कर लिया है। गाइज, अगर आपको इस वीडियो को यूज़ करना है फॉर प्रैक्टिस पर्पस, सो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे न्यू कॉम्पोजिशन। सो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसकी जो विड्थ और हाइट है, यहाँ पे आप इसे कर दो 1000x1000 और यहाँ पे आप इसे टाइप कर दो फ्रैक्टल नॉइज। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे न्यू सॉलिड। सो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे न्यू सॉलिड और यहाँ पे आपको जस्ट प्रेस करना है ओके। इसके बाद हम यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में फ्रैक्टल नॉइज और यहाँ पे जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे कुछ इस टाइप से। अब गाइस, इसके बाद आपको क्या करना है, हम यहाँ पे एक करेंगे मास्क। सो यहाँ पे जस्ट हम सेलेक्ट करते हैं इलिप्स टूल, या तो आप इसे मैनुअली ड्रॉ कर लो, अदरवाइज आप इस इलिप्स टूल के ऊपर डबल क्लिक करो। सो यहाँ पे एक मास्क यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा इसे जस्ट कुछ इस टाइप से छोटा कर लेते हैं, इस मास्क को इस टाइप से कर लेते हैं मास्क को छोटा। और इसके बाद यहाँ पे जाएंगे मास्क में और यहाँ पे इसका जो फेदर है यहाँ पे कुछ आप इंक्रीज कर दो कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अगेन क्लिक करना है इस शेप टूल के ऊपर, एलिप्स टूल के ऊपर। अब गाइस, मेक श्योर आपके यहाँ पे कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आप जस्ट एक यहाँ पे शेप ड्रॉ करो। मैंने यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक किया तो यहाँ पे एक शेप ड्रॉ हो गई और इसे आप शिफ्ट कर दो नीचे जस्ट लाइक दिस और यहाँ पे इसे कर दो रीनेम लाइक सर्कल और यहाँ पे जो इसका फिल कलर है आप यहाँ पे अप्लाई कर दो ग्रेडियंट कुछ इस टाइप से और यहाँ पे ओके प्रेस करो। इसके बाद इसके कलर में क्लिक करो और यहाँ पे जो कलर है यहाँ पे करो कुछ इस टाइप से ग्रे और यहाँ पे आपको इसका मिलेगा कलर कोड, जस्ट कॉपी करो और इस वाले कलर में क्लिक करो ब्लैक में और यहाँ पे कर दो पेस्ट लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ गॉशियन ब्लर और इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से और यहाँ पे जस्ट इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से जस्ट लाइक दिस। अब गाइस, वन मोर थिंग, यहाँ पे जो सर्कल है आपका, आपको जस्ट इसे थोड़ा छोटा करना है सो दैट यहाँ पे जो ये कॉर्नर्स पे टकराए ना। ठीक है, कुछ इस टाइप से लाइक दिस। आप यहाँ पे फ्रैक्टल नॉइज भी आप यहाँ पे इसके लेयर को छोटा कर सकते हैं, मेक श्योर यहाँ पे कॉर्नर्स पे यहाँ पे टकराए ना। ठीक है, इसके बाद वापस जाते हैं मेन वीडियो में। ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे फ्रैक्टल नॉइज के लेयर को कुछ इस टाइप से यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे इसे करेंगे कन्वर्ट 3D में और यहाँ पे जस्ट प्रेस करते हैं आर, आर फॉर रोटेशन और यहाँ पे इसे रोटेट कर लेते हैं कुछ इस टाइप से और यहाँ पे एस प्रेस करेंगे एस फॉर स्केल जस्ट लाइक दिस और अदरवाइज आप यहाँ पे जाओ, इसकी आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी ट्रांसफॉर्म की और यहाँ पे आप इसकी पोजिशन स्केल एंड रोटेशन को सेट कर लो कुछ इस टाइप से। अब गाइस, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम स्केल में एंड पोजिशन में की फ्रेम्स लगाएंगे फर्स्ट फ्रेम में और कुछ फ्रेम आगे जाएंगे लाइक दिस और यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है इसको शिफ्ट करेंगे आगे कुछ इस टाइप से और यहाँ पे इसका स्केल बढ़ाएंगे लाइक दिस और इसे आगे शिफ्ट कर लो नाउ सी कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे की फ्रेम्स को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे F9 फॉर ईजी ईज, अदरवाइज यहाँ पे राइट क्लिक करो की फ्रेम असिस्टेंस ईजी ईज, ग्राफ्स में जाएंगे और यहाँ पे इसको कुछ कर देंगे पीछे इस टाइप से। ठीक है, नाउ वी कैन सी कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट जैसे मान लो हमारी की फ्रेम्स यहाँ तक है सो हम इस लेयर को यहाँ पे कट कर लेंगे, जस्ट कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे सो दैट यहाँ पे लेयर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज एडिट में जाओ यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्लिट लेयर और इस वाले पार्ट को यहाँ पे कर दो डिलीट कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब गाइस, इसके बाद हमें इस फ्रैक्टल नॉइस की डुप्लीकेट कॉपी लेनी है सो मेक श्योर यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट करो, एडिट में जाओ, देन डुप्लीकेट कंट्रोल डी यहाँ पे शॉर्टकट किया है और इसे कर दो शिफ्ट पीछे की ओर लाइक दिस, अगेन कंट्रोल डी इसे कर दो शिफ्ट कुछ इस टाइप से, अगेन कंट्रोल डी कुछ इस टाइप से, अगेन कंट्रोल डी कुछ इस टाइप से, नाउ सी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे फ्रैक्टल नॉइज की लेयर है 5 हमने यहाँ पे कॉपीज ली हैं, आप यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और देन राइट क्लिक कर रहा हूँ, देन यहाँ पे कर रहा हूँ इसे प्री कंपोज और यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ फाइनल फ्रैक्टल नॉइज। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और जस्ट यहाँ पे जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में और यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे क्रोमेटिक डिस्प्लेसमेंट।
सो गाइज मैंने यहाँ पे एक प्लगइन को इंस्टॉल कर रखा है रेड जाइंट वॉलो की, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट वो प्लगइन पेड है, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ वीडियो के ऊपर, जो हमारी मेन वीडियो है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट लेयर, आपको सबसे पहले इसे करना है फाइनल फ्रैक्टल नॉइज में, और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है डिस्प्लेसमेंट लेयर अल्फा, आपको इसे करना है इग्नोर। देन आपको यहाँ पे इसके मिलेगा सॉफ्ट डिस्प्लेसमेंट लेयर, आप इसे यहाँ पे कर दो अराउंड 50, और इसे आप कर दो अराउंड -50, ठीक है। इसके बाद गाइस जो हमारी यहाँ पे फ्रैक्टल नॉइज की लेयर है, इसे हम यहाँ पे इसके आइस को क्लोज कर देंगे, और कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ सी, इसके बाद यहाँ पे आपको इसकी मिलती है डिस्प्लेसमेंट स्प्रेड, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो कुछ इस टाइप से, लाइक हम इसे यहाँ पे कर देते हैं 50, ठीक है। और नाउ गाइस यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट अब यहाँ पे इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है, सो उसे हम कंट्रोल कैसे करेंगे। सो हमें यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है इस प्री कॉम्प में, और यहाँ पे जाएंगे और इस लेयर को जस्ट हम थोड़ा सा और यहाँ पे आगे शिफ्ट कर देंगे, इसका हम गैप इंक्रीज कर देंगे कुछ इस टाइप से, लाइक दिस, ठीक है। नाउ वी कैन सी कुछ इस टाइप से हमारा इफेक्ट यहाँ पे रेडी हो गया है। सो ये था हमारा पहला मेथड जो कि हमने प्लगइन को यूज करके बनाया है। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले मेथड की तरफ। सो हमें क्या करना है, हमें जस्ट अगेन यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट करना है, और इस क्रोमेटिक डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे डिलीट करना है, और इसकी जगह हमें जस्ट यहाँ पे टाइप करना है डिस्प्लेसमेंट मैप। सो यहाँ पे मैंने ले लिया डिस्प्लेसमेंट मैप, और हमने अप्लाई कर दिया वीडियो के ऊपर। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हमें करना है फाइनल फ्रैक्टल नॉइस। इसके बाद क्या करेंगे, हमें यहाँ पे मिलता है यूज फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इसे आप कर दो यहाँ पे अल्फा, और इसे कर दो यूज फॉर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसे आप कर दो ल्यूमिनेंस, ठीक है, या आप इसे कर सकते हैं यहाँ पे लाइटनेस। अब यहाँ पे हमने की फ्रेम्स लगानी है कुछ इस टाइप से, और कुछ फ्रेम आगे जाते हैं लाइक दिस, और इसे आप यहाँ पे कर दो -50 कुछ इस टाइप से। नाउ वी कैन सी हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे साइड्स में आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, जस्ट यहाँ पे इसके लेंगे डुप्लीकेट कॉपी वीडियो की कंट्रोल डी की हेल्प से, और इसके ऊपर से हटाएंगे इफेक्ट, और सेकंड वीडियो के ऊपर यहाँ पे इफेक्ट है। बट गाइस यहाँ पे आपको छोटी मोटी यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे इफेक्ट रेडी हमारा, और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैप यूज़ करते हो, सो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर रियलिस्टिक चीज़ नहीं मिलती देखने को, बट अगर आप यूज़ करते हो क्रोमेटिक डिस्प्लेसमेंट, सो आपको काफ़ी हद तक आपको एक रियलिस्टिक चीज़ देखने को मिलती है। क्रोमेटिक डिस्प्लेसमेंट हमने एक प्लगइन को इंस्टॉल किया था, और हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैप जो कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर होता ही है बाय डिफॉल्ट, सो इसकी हेल्प से हमने यहाँ पे इफेक्ट को रेडी किया था, ठीक है। अगर आपके पास प्लगइन नहीं है तो आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैप का यूज़ कर सकते हो। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई हो। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स होते हैं वीडियो के रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ अपने काम के रिगार्डिंग। तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।